चूना नहीं लगेगा इंशाल्लाह। मतलब कि दराज इतना कामयाब है सेलिंग में? हाँ, दराज इतना वाकई कामयाब है, वो को चूना लगता है तो लगता है। शेयर तो जवाब नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो जो कि आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वीडियो, इंटरव्यू सीरीज की एक और वीडियो है। तो आज की वीडियो को मुकम्मल देखिएगा जिससे आपको पता लग पाएगा कि 11-11 सेल जो दराज की आ रही है वो क्या करने वाली है, क्योंकि हमारे साथ लाइव इस टाइम हमारे चैनल पे एक दराज सेलर मौजूद है जिनसे हम पूछेंगे कि 11-11 है क्या क्या, इसमें कितना कितना चूना लगता है लोगों को, कैसा होता है। मैं सीधी सीधी बात करूंगा और यहाँ इनसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बहुत पिक किए हुए हैं, और ये क्वेश्चन थोड़े से इनके लिए ऑकवर्ड भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जरा अटपटे से हैं। आप दराज के थोड़े से खिलाफ भी हैं, थोड़े से मतलब कि कह सकते हैं आपके लिए तो जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कोई इशू नहीं होगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन देता चलूँ। ये अहमद रजा गोरी साहब हैं, दराज के ऊपर सेलर हैं बहुत बड़े, इनकी काफ़ी माशाल्लाह अच्छी सेल है। अगर आप बात करते हैं सालाना वाइज, महाना वाइज बहुत अच्छे सेलर हैं, और बहुत और भी एक नई नई चीज़ें ये लाते रहते हैं, क्योंकि अब इनका एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च होने वाला है जिसका हम अगली वीडियो में जिक्र करेंगे। तो अगली वीडियो ज़रूर देखेंगे क्योंकि वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो कि पाकिस्तान के अंदर दराज सेलर बन के उभरना चाहते हैं, उनके पास टाइम भी नहीं है। तो अगली वीडियो इनकी जरूर देखिएगा। तो गोरी साहब से जानते हैं इनके बारे में कुछ, अगर आप पहली बार इनसे मिल रहे हैं। मेरा नाम है अहमद रजा। आप अक्सर यानी कि आप जो खालिद टेक्निकल साहब के क्लोज व्यूवर्स हैं वो जानते होंगे कि मैं ऑलमोस्ट तकरीबन 2 साल से यानी कि दराज के ऊपर काम कर रहा हूँ, और ई कॉमर्स की फील्ड में मुझे तकरीबन 3 से 4 साल होने वाले हैं। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं दराज 11-11 सेल जो कि 11 नवंबर को ऑनलाइन हो जाएगी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे जहन में हैं कि भाई ये हो सकता है शायद दराज आपको धोखा दे, इस तरह कुछ मामला हों, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये मामला किस तरह मतलब के होते हैं कि असल में ही दराज धोखा दे रहा है, और ये कैसे होगा। पिछली बार जो हुआ आपको पता है, वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि दराज 11-11 है क्या, ये तो सबको पता है, लेकिन इसका सेलर्स को और कस्टमर्स को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि आप सेलर भी हैं और ज़ाहिर बात कस्टमर्स को भी डील करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कस्टमर की, क्योंकि कस्टमर इज किंग। बिल्कुल, इस वजह से हमें जो सबसे ज़्यादा जो कस्टमर का फ़ायदा है उसमें यह है कि आपको नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स, यानी कि जो दराज के स्टैटिक्स शो कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 8 मिलियन के राउंड अबाउट प्रोडक्ट्स उनके पास अवेलेबल हैं। अच्छा। इस 11-11 सेल के लिए। अच्छा। और उसके अलावा डिस्काउंट्स भी ऑफर्स पे है, यानी कि 8 मिलियन प्रोडक्ट्स पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ, 8 मिलियन प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिल रहा है। आपने ऐड भी देखा होगा कि 50 करोड़ का वो आजकल वो डिस्काउंट ऑफर, हाँ 50 करोड़ का वो ऐड, यानी कि वो ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह इस तरह, यानी कि काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। जो कस्टमर का ये है कि अगर आपने पूरे साल में जो खरीदारी करनी है ना, यही आपके पास 3-4 दिन है, आप इसी में जो खरीदना है खरीद लें, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल रहा है। जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, अच्छे वाली प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, और फिर बस चूना नहीं लगेगा इंशाल्लाह इस बार। अगला मेरा यहाँ क्वेश्चन ये है गुरु साहब आपसे कि ये जो डिस्काउंट वाला मतलब कि ऑप्शन दराज ने डाला है 11-11 सेल में, ये वर्क कैसे कर रहा है? मतलब कि दराज इसके लिए पे कर रहा है या सेलर को कुर्बानी देनी पड़ रही है या कोई और मामला आते हैं, क्या हिसाब किताब है? नहीं, दराज तो नहीं पे कर रहा है इस चीज़ का। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ प्रमोशन कर रहा है। हाँ, वो सिर्फ अपनी प्रमोशन कर रहा है कि यानी कि दराज वालों का इसमें कोई अमल दखल नहीं है कि डिस्काउंट ये है डिस्काउंट ये है, वो जो उसके ऊपर चीज़ें फ्रोथ कर रहे हैं उन्होंने डिस्काउंट देना होता है। मतलब सेलर्स ने? हाँ, सेलर्स ने देना होता है। जैसे अब आपने सुना होगा कि 50 करोड़ का डिस्काउंट है, ये कैसे डिस्काउंट है? क्योंकि दराज वालों की तो अपनी कोई प्रोडक्ट्स नहीं है इतनी ज़्यादा, हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, तो उसी की वजह से हमने उसके ऊपर एक डिस्काउंट मेंशन किया होता है कि जैसे ही हमने 11-11 सेल के लिए अप्लाई करना होता है, तो उसके बाद जब हम उसे अप्लाई कर रहे होते हैं उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आप कौन सी प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट देंगे। उन्होंने आपको एक फिगर मेंशन की होती है कि जो आपके फ़र्ज़ किया जाए अगर आपके 1000 रुपया आपने लिखा हुआ है ना एक प्रोडक्ट के ऊपर कि ये 1000 रुपये की है, तो उसके बाद ऐसे होगा कि आपने उसके ऊपर मेंशन किया होता है दराज वालों ने कि आपने इसके ऊपर इतना डिस्काउंट देना है, आप उतना डिस्काउंट दें या उससे कम दें, वो उन्होंने मेंशन किया होता है। डिस्काउंट तो सारी बात है वही देगा जिनके प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, उन्होंने देना होता है डिस्काउंट, वही देता है जिसकी प्रोडक्ट तो ये सेलर होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे वालों को कोई कमाल नहीं, नहीं। हाँ, दराज वालों को कमाल ये है कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जिसके ऊपर एक ट्रैफिक आ रही है बस, और बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ अहमद साहब एक और क्वेश्चन मेरा है कि पिछली बार दराज ने कहा था कि हमारी वेबसाइट पे जब दराज 11-11 सेल लगी तो कम से कम 3 मिलियन लोग जो आए थे मतलब कि चीज़ें खरीदने वो 2-3 दिन के अंदर अंदर जी, तो ये क्या सच्ची में था और ये क्या सिस्टम है? नहीं, इतने बंदे 3 मिलियन आपको पता है एक नंबर होता है, डेफिनेटली 3 मिलियन एक नंबर होता है, लेकिन इस बार जो स्टैटिक्स शो कर रहे हैं दराज वालों के वो है कि आपके पास 10 मिलियन व्यूवर्स आने हैं, यानी कि 10 मिलियन उनकी साइट के ऊपर ट्रैफिक आनी है। ये आप कह रहे हैं कि पिछली बार जो हुआ उसके बाद भी 10 मिलियन आएंगे? आएगी इंशाल्लाह, आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि जितनी प्रमोशन हो गई है उनका ऐसा होता है कि दराज के ऊपर जो मेन चीज़ है ना वो उनका वो ट्रैफिक ही है,
क्योंकि ट्रैफिक उनका मेन काम ये है कि उन्होंने अपनी साइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आनी है। फिर उन्होंने आपके ने देखा होगा कि काफ़ी अरसे से तकरीबन ऑलमोस्ट 2 वीक होने वाले हैं, प्रमोशंस चल रही हैं, ऐड चल रहे हैं, उनका मकसद ही ये है कि उन्होंने एक 11/11 को एज ए ब्रांड बना दिया वैसे लोगों को, ये एक सेल का ब्रांड है। आप मतलब वो एक ऐड में देख रहा था, वो शादी होकर लड़की घर जाती है तो मोबाइल से लगी होती है, वो उसको जो मतलब खामद होता है वो घूंघट उठाता है, वो कहता है ये क्या कर रहे, कहती आपको नहीं पता 11/11 इस तरह के कुछ ऐड चल रहे हैं, इस तरह के ऐड चल रहे हैं काफी, यानी कि ना फनी टाइप के, कि जिससे भी ट्रैफिक आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक और मेरा बहुत जो मुझे बहुत खटकता है सवाल के सेल के अंदर, क्योंकि एक मैं हूँ, मैंने कहा यार ये चीज़ मुझे पसंद है, ये मैंने सेल के अंदर लेनी लेनी है, 50,000-60,000 की, लेकिन जब मैं सेल पे लेने जाता हूँ उसी वक्त आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो मैंने ये देखा है कि सेल्स जब भी रात 11 लगती है तो जो स्टॉक है वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, या ज़्यादा से 2 प्रोडक्ट्स 5 प्रोडक्ट्स अगर आप एक चीज़ की बात करते हैं, मतलब कि एक LED है वो मैंने बाय करनी है तो वो 5 होंगी ज्यादा ज्यादा सेल के अंदर, क्या इसी तरह ही है कि स्टॉक बहुत कम होते हैं सेल के अंदर? सेल के अंदर तो प्रोडक्ट्स ज्यादा होती हैं। अच्छा, लेकिन वो तो डिपेंड करता है ना कि यानी कि जो चीज फरोख्त कर रहा है, अच्छा, जो सेलर है उस पर डिपेंड मतलब करता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर एक चीज है आपकी 10,000 की है वो सेल के अंदर 8,000 की निकल रही है तो मतलब कि आप कितनी लगाना उसे पसंद करेंगे? तो डेफिनेटली मैं तो ज्यादा से ज्यादा लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो 11/11 सेल है ना, इससे जो सेलर को बूस्ट मिलता है वो थ्रू आउट द ईयर चलता है, कि आपके स्टोर के ऊपर ट्रैफिक आ रही होती है, लोग आपसे चीजें बाय कर रहे होते हैं, रेगुलर कस्टमर आ रहा होता है आपके पास। ऐसे तो होता है ना कि बॉस का जैसे नॉर्मल डेज में चल रहा होता है इतना अच्छा, यानी कि कस्टमर का रिस्पांस नहीं होता, लेकिन अब जो सेल लगी हुई है सारी बात है, 1 करोड़ लोगों ने आना है आपके पास, सारी बात है, फिर ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी सेल हो सकती है। यही वो टाइम पीरियड है जिसमें सेलर को बूस्ट मिलता है, रेटिंग अच्छी हो जाती है उसके प्रोडक्ट्स, यानी कि जितनी उसके पास अवेलेबल होती है वो निकल जाती है, और इसके अलावा बाकी भी यानी कि सेलर को बहुत ज्यादा फायदा होता है इस चीज के साथ, कि अगर वो सेल को ज्वाइन करता है 11/11 हो गई, फ्लैश सेल हो गई, बंडल हो गए उनके, और बाकी जो काफी चीजें। अच्छा, मैं एक और बात पूछना चाहूंगा, जब आप सेल लगाते हैं तो आपके पास अगर फर्ज करें मिनिमम 100 प्रोडक्ट है सेल के लिए, आप कहते हैं सेल के अंदर हमने 100 प्रोडक्ट सेल करना है या 200 प्रोडक्ट सेल करना है, तो क्या आपके वो सभी निकल जाते हैं, मतलब 200 के 200 ही निकल जाते हैं या फिर कुछ बच जाते हैं? सेल का आपको मतलब कि कितने परसेंटेज तक जितना आपने सोचा होता है उतना फायदा होता है कि नहीं, ये मुकम्मल मैं आपसे जानना चाहूंगा। अगर तुम पिछले साल की बात करें ना, पिछले साल तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। अच्छा, यानी जो भी मेरे पास प्रोडक्ट आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी कि ये हो जाएगा, क्या वो हो पाया था? हाँ, हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। अच्छा, एक तो सारी बात है कि आपके चैनल से भी ट्रैफिक आ रही होती है मेरे पास। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सारे जब सेल लगती है ना, सेल लगने का सबसे मेन फायदा ही ये होता है कि आपको पता होता है कि सेलर के पास ये वाली प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, इन्होंने इस चीज को सेल करना ही करना है, और ट्रैफिक भी आ रहा है। अब इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होता है जिन्होंने वो चीजें लेनी है। अच्छा, ओरिजिनल में चीजें लेनी है, सिर्फ उन्हीं फायदा है, क्योंकि आपको पता है कि रिटर्न का इशू होता है पूरे साल में, ये लगा रहता है, लोग चीजें ऑर्डर कर देते हैं बाद में परचेज नहीं करते, रिटर्न आ जाता है, इस तरह के मसले लगे रहते हैं। लेकिन सेल का फायदा है, उसका सबसे ज्यादा फायदा ये होना है कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ट्रैफिक आपके पास आ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाती है। जैसे मतलब कि मैं बेसिकली ये पूछना चाहता हूँ कि आपका सेल अगर लगी है 100 प्रोडक्ट्स है, आपने सेल के अंदर वो सारे अप्लाई कर दिए हैं, तो वो सारे निकल जाएंगे कि नहीं? इंशाल्लाह निकल जाएंगे, इजीली निकल जाएंगे। अच्छा, 100 तो कम है वैसे। कितने चांसेस हैं आपको? नहीं, मैं कहता हूँ कि 100% आपको प्रोडक्ट्स है जो आपने सेल के लिए सिलेक्ट किए हैं, तो उसमें से कितने निकलेंगे आपको, कितने परसेंट मतलब कि प्रोडक्ट्स निकले के चांसेस होते हैं? मुझे तो 110% श्योरिटी है कि जो भी प्रोडक्ट लगी है दराज इतना कामयाब है सेलिंग में। हाँ, दराज इतना बाकी कामयाब है। आपको ये चीज माननी पड़ेगी, लोग कमेंट में आकर कुछ अच्छी बातें भी कहते हैं, लोगों को चूना लगता है तो वो लगता है। अच्छा, चूने की बात हो रही थी, मैंने कहा चूने के हवाले से कुछ बात करें, तो मैं पूछना चाहता था कि कुछ ऐसे सेलर्स भी हैं जो कि सेल के ऊपर, तो चलो एक अलग बात है, सेल के ऊपर तो वो चूना लगाते हैं, सीधा लोगों को गलत चीज चिपका देते हैं, तो उसके अलावा भी वो 2 नंबरी करते हैं लोगों के साथ, तो सेल के ऊपर अगर कोई बंदा कोई चीज लेने जा रहा है उसे क्या क्या चीजों से मुहतात रहना चाहिए, और कैसे वो सेलर को चेक कर सकता है कि ये सेलर सही है, ये मुझे धोखा नहीं देगा, और फलां और फलां? क्योंकि लोग बहुत गिला करते हैं मेरे चैनल पे आके, भाई जी आप वीडियो तो बना देते हो, ये सेलर सारे 2 नंबर हैं, ये बकवास कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। अब ये कस्टमर्स के लिए स्पेशल कि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट बाय करने जानी है, सबसे पहले आपने सेलर की रेटिंग चेक कर लेनी है। अच्छा, उसकी रेटिंग चेक करने का तरीका क्या होता है? वो भी जरा 5-star, 3-star, 4-star नेगेटिव में मार्जिन, वो मतलब कि उसकी येलो कलर का स्टोर की रेटिंग होती है। हाँ, जो स्टोर की रेटिंग होती है, आपने ये भी चेक कर लेनी है, और जो आप प्रोडक्ट लेने लगे हैं उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी नीचे क्वेश्चंस हैं आपने उन्हें एक बार रीड कर लेना है। उसके बाद उन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करने के बाद आपने ये अपना माइंड बना लेना कि यार ये बाकी चीज ठीक है कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग जब आप बाय करते हैं तो उसकी प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स भी लगा रहे होते हैं, कि फर्ज किया आपने एक मोबाइल बाय किया है, मोबाइल को बाय करने के बाद आपने उस प्रोडक्ट की तस्वीर भी लगा दी कि मुझे ये चीज सेलर ने अच्छी भेजी है, इसका ये कमेंट वगैरह कर दिए,
एक तो ये चीज़ है कि आपने उसकी रेटिंग चेक कर ली, जो दूसरा चीज़ है आप जो दूसरी चीज़ है उसका आपने एक फीचर देखा होगा द्रास का, चैट फीचर है, उसमें जाके आप जो सेलर से आप उससे बात कर सकते हैं, नया फीचर आया कि आप उससे बात कर सकते हैं। आपने उससे बात करने के दौरान अपने सारे क्वेश्चंस क्लियर करने हैं कि जो मैं चीज लेने लगा हूँ ये मुझे ओरिजिनल है नहीं ओरिजिनल है। कई सेलर तो जवाब नहीं देते, दिमाग खराब है। सारी बात है, फिर ऐसी होता है ना कि जिन्होंने चूना लगाना हो तो फिर वो ऐसे करते हैं। ये चीज आपने लेनी है ना, आपने उस चीज से रिलेटेड जितने आपके माइंड में क्वेश्चन है कि ये चीज ओरिजिनल है, इसकी ये ड्यूरेबल है कि नहीं है, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है ना आपने उससे पूछ लेना। जब तक आपको उस क्वेश्चन का सेटिस्फाई आंसर नहीं मिलता आपने चीज बाय नहीं करनी, जो सबसे मेन चीज ये है। मसला ये है कि लोगों को पता नहीं है कि परचेज कैसे करना है ऑनलाइन। ऑनलाइन परचेज करने जाते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, बाद का तो ऑर्डर किया नहीं होता, उन्होंने तो क्लिक ही नहीं किया था कि यार ऑर्डर हो गया कि नहीं हुआ। मतलब लोग तो वो नहीं करते, बाद में वो इंतजार कर रहे होते हैं। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि मुझे लोग मैसेज कर रहे थे यार हमने आपके शॉप से ना परचेज की थी लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं डिलीवर हुआ। कमेंट्स के अंदर जो मैंने मिस्ट्री बॉक्स आपकी थोड़ी सी अपने मेरा थोड़ा सा साथ दिया था, प्रमोशन की थी हमारे चैनल की, आपकी प्रमोशन हो गई थी वो वाला, मतलब कोलैबोरेशन एक वीडियो थी जो उसके अंदर मैंने मिस्ट्री बॉक्स खोले थे, लोग कहते मैंने 5,000 वाला ऑर्डर किया भाई आया ही नहीं, वो यही मसला होगा। लोगों को चीजें बाय करने का नहीं पता कि उन्होंने ऑनलाइन चीज बाय करनी है तो कैसे करनी है, बाद में लोग एंड पे आगे अपना रोला। इसके लिए वैसे हम डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं अगर आप टाइम निकालें कि लोग सही तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। हाँ, इंशाल्लाह क्योंकि ये वीडियो तो काफी लंबी हो गई। जी जी बिल्कुल ऐसी है। मेन चीज ये है कि आपने अच्छे से चीज को देख लेना है। मेन चीज होती है अच्छी चीज है वो है कि जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, जो दिखता है। और वो पिक्चर लगी हुई उन्होंने तो वो सारी बातें अलीबाबा से लिया, गूगल वालों से, यानी कि कॉपीज। ज्यादातर अभी मैं कुछ एक और चीज आपको बताता हूँ कि ज्यादातर जो पिक्चर्स होती हैं वो उठाई होती है जैसे डाउनलोड की होती है, किसी ने अपनी पिक्चर नहीं खींची होती। रात पे मैं तकरीबन 99% लोगों ने तस्वीरें उठाई हुई हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो आप कैसे अभी तस्वीरें उठा उठा के लोगों की? इनमें कभी कभी करते हैं, कभी कभी करते हैं जब मतलब कि वो प्रोडक्ट की अवेलेबल ना हो। प्रोडक्ट की अवेलेबल ना हो तो चलो फिर मैं ऐसे कर लेता हूं। वैसे आप अपनी मतलब कि मैं अपना यानी कि अब क्लिक करवा लेता हूं। वैसे अब दराज वालों ने ये फीचर भी दिया हुआ है कि अगर तो आपके पास कैमरा वगैरह इस तरह की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आप दराज पे जाए उनसे तस्वीरें क्लिक करवाएं और आप अच्छे तरीके से अपना कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है इतना आज के। बाकी जो मेन चीज है वो यही है कि जो लोग भी चीजें बाय करने जाए ऑनलाइन, सबसे पहले उस चीज की रेटिंग चेक कर लें, उसके बाद सेलर से बात कर लें, अपने क्वेश्चन क्लियर कर लें, उसके बाद फिर आपको अगर सेटिस्फाई होते हैं तो फिर आप चीज लें, वैसे चीज ना लें। तो आखिरी सवाल आपसे यही है कि दराज 11/11/2019 जो आ गया है अब, इसके बाद पिछली हमने तो देख ली, पिछली दराज की 11/11/2018 तो फ्लॉप हो गई थी। मैं सीधा सीधा आपको बताऊंगा सारी बात, उस पर दराज की जो है कहते हैं एक नेगेटिव मार्केटिंग बहुत हुई, मतलब उसमें यही नाम दूंगा कि उनकी मतलब कहते हैं ना कुत्तियां भी होगी पंजाबी, वो वाली सिस्टम हो गया था क्योंकि लोग बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड थे, डिससैटिस्फाइड इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ये थे कि परेशान थे कि दराज ने हमारे साथ क्या किया है। जो मोबाइल फोन की प्राइस 60 थी उसको सेलर ने 80 करके बाद में डिस्काउंट में डाल दिया और इस तरह कुछ मतलब के सामने आए। तो आप क्या समझते हैं कि 2019 वाली जो सेल है 11/11 ये बिल्कुल साफ शिफाफ, जैसे कहते हैं ना इमरान खान साहब, साफ शिफाफ इलेक्शन तो वैसे होगी ये या फिर धांधली वाली? नहीं, ऐसे होना जरूरी नहीं है। अच्छा, क्योंकि दराज वाले तो एक जस्ट प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको, अच्छे से फैसिलिटेट कर रहे हैं कि यार आप यहाँ पे आओ और अपनी चीजें सेल करो। अब बात आती है एंड पे हमारी आ जाती है कि हम चीजों को अच्छे तरीके से सेल करते हैं कि नहीं करते। दराज वालों को लास्ट टाइम आपको पता होगा कि वो सेलर समिट हुआ था, उसमें उन्होंने हमें स्पेशली तौर पे इसी चीज के हवाले से गाइड करना था कि मिन्नत तरली करनी थी उन्होंने हमें यही गाइड करना था कि आपकी मेहरबानी के अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ काम करें। जो सबसे मेन चीज है पाकिस्तान में जो मसला है वो यही है कि लोग दराज वालों को गालियां निकाल रहे होते हैं, उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। उन्होंने एक फीचर दिया हुआ है, आप जब वहाँ पे जाते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को अपलोड करते हैं, चीजों को सेल करते हैं, दैट्स इट, और तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मेन इशू है वो है जो चीजें सेल कर रहे हैं वो ईमानदार हैं कि नहीं है। वो क्या करते हैं, आपको पता है कि ना अब 11/11 सेल आने वाली है, आपके पास एक हैवी ट्रैफिक आपके स्टोर पे सभी के स्टोर पे आने वाली है, तो लोग क्या करते हैं कि यार जो माल पड़ा हुआ है वो निकाल देते हैं, खराब है, पता है कि यार एक बर्डन आया हुआ है दराज वालों के ऊपर, जो भी चीजें आ रही हैं वो सारी निकाल देते हैं। पूरे साल का जितना खराब माल है टूटा पुजा वो सारा वो सेल के निकाल दे। हाँ, उनका कुछ लोगों का ये माइंडसेट है। लेकिन अब ये कि दराज वालों ने काफी पॉलिसीज वगैरह बनाई हुई हैं जिस वजह से इस चीज को कंट्रोल किया गया। मैंने देखा है, आप एक बार मैंने आपको रابطہ किया था कुछ वीडियोस के रिलेटेड, मैंने आपको बताना था कि आप हमारे पास इंटरव्यू के लिए आप लाहौर गए हुए थे, दराज समिट को इस तरह का प्रोग्राम था, वो आप बता रहे हैं अभी, तो उसके अंदर इसी चीज पे ज्यादा फोकस किया दराज ने, आप ये भी बता रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जितना दराज ने आपके लिए किया है, मतलब कि सेलर्स को इकट्ठा करके उन्हें समझाया है भाई जरा हौसले ना चलो, तो वो क्या इस बार
सेलर्स को बेहतर हो जाएंगे पहले से, या इस बार कितने परसेंट चांसेस है कि आपकी सेल बहुत ज्यादा अच्छी है, कितने परसेंट आप सोच सकते हैं? क्योंकि पिछली बार तो आप कह रहे हैं कि 20-80 था, कि 20% लोग दराज के हक में थे, 80% लोग खिलाफ हो गए। बिल्कुल ऐसी तो है। बड़ी देर दराज जो है वो मतलब कि स्टेबल नहीं हो पाया, वो जब तक उन्होंने आके बताया नहीं जी ये सेलर की कुछ इस तरह नाहली थी, कुछ हमारे टेक्निकल इश्यूज थे और ये फला, वो फिर आपको बताइए। हाँ, अब 11/11 सेल आने वाली है, तो उन्होंने तकरीबन तकरीबन 3,000 से ज़्यादा लोग यानी कि फिर हायर किए दराज वालों ने, कि यार जो ये अब उनके पास एक ट्रैफिक आ रही है, उस चीज़ को सभी को मैनेज भी करना है। अच्छा। क्या क्या आपको रिटर्न आ जाता था, फर्ज किया जैसे अब हमें रिटर्न आता वो 30 दिन में हमें डिलीवर करना लाजमी होता था। 3,000 लोग उन्होंने जो है हाँ दोबारा हायर किए सेल के लिए, 11/11 स्पेशल सेल के लिए। इसमें यह है कि आपके पास जब हैवी ट्रैफिक आ रही है ना, जो सबसे ज्यादा फायदा सेलर्स का ही है, दराज वालों ने तो जस्ट कमीशन ही लेना है ना, उनका तो यानी कि जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक कमीशन की बेस पे है और तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फायदा है वो सेलर्स का ही है। तो रिक्वेस्ट ये है कि जो भी सेल कर रहे हैं दराज के ऊपर अच्छे से ईमानदारी के साथ सेल करें, थोड़ा सेल कर लें लेकिन अच्छा सेल कर लें, इसका सबसे ज्यादा फायदा आपको ही होना है, आपकी आखिरत भी समझ जाएगी, दुनिया भी समझ जाएगी, नहीं तो गालियां तो दराज वालों की पड़नी है। लोगों का एक मसला ये है कि लोगों दो चीज गलत मंगवा ली ना, गाली उन्होंने दराज को ही देनी है, हमें गाली नहीं देनी। हाँ बिल्कुल, गाली तो रात को देनी, सेलर को नहीं कुछ कहना। हाँ, सेलर को नहीं कुछ कहना, पाक साफ रिश्ता है। हाँ, वो तो पाक साफ रिश्ता है, बिल्कुल ऐसी है। सभी से रिक्वेस्ट ये है कि यानी कि जो सेल कर रहे हैं ईमानदारी के साथ अच्छे से चीजें सेल करें। अब मैं भी हूँ ना, मैंने कुछ ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐड नहीं की हुई, लेकिन जो ऐड की है वो मुझे पता है कि यार 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट है मेरे पास और जो बिल्कुल ठीक है मैं वही शेयर करने वाला हूँ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो गौरी साहब नीचे मैं कमेंट इनका पिन कर दूंगा, इनसे कमेंट के अंदर पूछ लीजिएगा, कमेंट्स के अंदर ये काफ़ी अच्छे जवाब देते रहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है हमारे चैनल के ऊपर जितने भी कमेंट्स होते हैं उनके सभी तकरीबन अपनी वीडियो के अंदर जो भी जवाब वगैरह दे देते हैं, तो कमेंट के अंदर कोई जवाब पूछना चाहते हैं तो इनसे पूछ लीजिएगा। उसके अलावा जो है जल्द ही एक नई वीडियो आने वाली है, हम गौरी साहब के साथ एक गौरी साहब का एक बहुत बड़ा मतलब कि प्रोग्राम है जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वैलिड होगा, और वो काफ़ी कमाल का प्रोग्राम मुझे भी लगा, मैं सोच के हैरान रह गया कि एक बंदा यहाँ तक भी सोच सकता है कि ऐसा भी कोई मतलब कि फीचर और ऐसी कोई वैकेंसी जिसे आप कहते हैं वो लॉन्च कर सकता है, तो वो जल्दी वीडियो आएगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी घंटे दबा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं आऊंगा वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़। गौरी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे मतलब कि अल्लाह हाफिज़ कोई बंदा इस तरह? मौला खुश रखे। यार मैंने क्या कहना है, आपका एक कजन है शायद वो आप याद है, कौन सा चुनी वाला? हाँ, क्या कहता होता है, मौला खुश रखे।